अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मैं हूं आपका गार्डन दोस्त शाहिद रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एबी बेस्ट गार्डन्स। तो दोस्तों, आज हम आप दोस्तों को सुबह सुबह दिखाने लाए हैं अपनी नर्सरी, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा तूफान और आंधी आई हुई थी, उसकी वजह से हमारी नर्सरी का जो हाल हुआ है वो हम आज आप दोस्तों को दिखाएँगे। वीडियो के लिए माजरत हुआ हूँ, क्योंकि आज मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो इस वजह से हमारी वीडियो थोड़ी सी हिली हुई है, क्योंकि चलने फिरने में सारी वीडियो बनाई गई है, तो हाथ में ही मैंने मोबाइल लिया हुआ है अपना, तो इस वजह से माजरत चाहता हूँ। और बाकी हमारी वीडियो आज देखे और दुआओं में याद रखे, आगे देखते हैं आपको अपनी नर्सरी का हाल दिखाते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं जो हमारे ग्रीन हाउसेज है उसका क्या हाल हो चुका है। जो सारा जो ग्रीन शेड था हमारा, वो सारा का सारा फट गया है, ये आप देख सकते हैं। ये दोनों ग्रीन हाउस भी टूट गए हैं, वो ग्रीन हाउस भी आप देख सकते हैं, ये भी, ये जो सारा पाइप है ये बीच में से ही तोड़ दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये तोड़ दिया है बीच बीच में से। फिलहाल दफा रहा था वायरू ने जो सुमर कटती का ना दा टोल वापस नीर निगोला गई, बस सिर्फ कपड़ा पे अर्जी के ब्याह बोले ने भी कपड़ा रौड़ बस आगे शांति भेजे कम दे ने ब्याह पिता तिली रुकवा वो पे वाचो। तो फिलहाल दफा रहा जे कम दे नो दा जंडू ना हो रखी दो वायरू ना दा पासून खले दुआनो करी ना उस्ताद। तो नर्सरी का आज बहुत बुरा हाल है, तो आज जो है काम करने का कोई मूड ही नहीं, बस सिर्फ इसी के फिक्र में कि जो शेड है हमारे इसको रिपेयर करना है। तो ये आप देख सकते हैं जितने भी इसके जो वायर हैं ये सारे टूट चुके हैं, अभी इसकी जो जॉइंटिंग है वो फिर से करेंगे, और साथ ही जो हमारा ग्रीन शर्ट का कपड़ा है उसकी भी जो हालत है वो भी बद से बदतरीन है, तो इसका तो रिपेयर करना मुश्किल है। आर्जी तौर पर हम इसको इसी तरह ही लगाएंगे जिस तरह है, जिस हालत में, फिर इसके लिए नया कपड़ा जो है वो अरेंज करके इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि इसकी जो हालत हो चुकी है वो रिपेयरिंग के काबिल नहीं है, आप ये देख सकते हैं, क्योंकि तूफान इतना था कि इसको हर जगह से तोड़ दिया है। अब ये भी आप देख सकते हैं, ये भी चेक करें, इसको भी तोड़ दिया है दरमियान में से भी, तो बहुत तेज़ तूफान थी, इस वजह से नुकसान अच्छा खासा हुआ है। तो देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह आगे खैर करे, तो इसमें भी अल्लाह की कोई रज़ा शामिल होगी, तो देखते हैं हम अपनी कोशिश करते हैं इसको रिपेयर करते हैं, फिर बाद में कुछ इसके लिए डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो शुक्रिया आप दोस्तों को, तो शुक्रिया, माजरत चाहता हूँ आज क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं था, अचानक ही नर्सरी पर आया हूँ, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा तूफान हुआ था, तो इस वजह से जल्दी जल्दी में मैं आ गया, और यहाँ पर जो हालात मैंने देखा है उसको देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन अल्लाह का काम है, खुदा का काम है, खुदा के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें भी खुदा की रजामंदी होगी, तो वो बेहतर जानता है सब कुछ। तो हमारा वीडियो बनाने का हरगिज़ ये मकसद कोई नहीं था कि आपकी दिल आज़ारी हो जाए, सिर्फ ये दिखाना था आपको कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, और हमारे लिए खुसूसी दुआएं करें ताकि आने वाली जो आफात है हम इससे बचे रहें। तो उम्मीद है आप हमारे लिए दुआएं ज़रूर करेंगे, तो दुआ में ज़रूर याद रखना है, अल्लाह खुश रखे और ज़िंदगी में बरकत दे, इजाज़त चाहेंगे अल्लाह ने के बंद।